Hello students, good morning. Welcome to our maths class. Today we are going to learn our fourth chapter of maths in a practice workbook. क्या नाम है चैप्टर का? टिक टिक टिक, यानी कि क्लॉक के रिलेटेड ये है. ओके, चैप्टर नंबर फोर जो ये टिक 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 है वो हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है. अब हम ये वर्क बुक में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है आपको क्लॉक. लेकिन क्लॉक यानी कि क्या होता है? टाइम. टाइम देखना है हमें, वो सीखना है. तो उसके रिलेटेड पहले टाइम की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद ये फिल करते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. टाइम, चैप्टर नंबर फोर, टाइम. टाइम इज मेजरमेंट इन हवर, मिनट एंड सेकंड. टाइम को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? हवर में, मिनट में एंड सेकंड में. ओके, फिर अब सबको पता होगा कि 1 hour इज इक्वल टू कितनी मिनट होती है? 60 minutes. 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. ओके, देखिए एक मैंने क्लॉक ड्रॉ की है. ये जो डिवीज़न होता है 12, 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने क्लॉक में कितने डिवीज़न होते हैं? टोटल 1 से 12 तक, यानी कि 12 डिवीज़न होता है. और 2 डिवीज़न के बीच में कितनी मिनट होती है? 5 मिनट होती है. 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिनट होती है. ओके, फिर आप देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और 3 के बीच का जो टाइम आपका होता है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? क्वार्टर पास्ट. यहाँ पे आपका क्लॉक में क्या होता है? हवर हैंड है, मिनट हैंड. 2 हैंड होते हैं, छोटा होता है उसको हवर हैंड कहते हैं एंड बड़ा वाला जो होता है उसको मिनट हैंड कहते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे आपका जो भी हैंड होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा? क्वार्टर पास्ट. इसको क्वार्टर पास्ट कहते हैं, यानी कि कितनी मिनट होगी? 5, 10 और 15, 15 मिनट. फिर 3 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3 और 6 के बीच में आपको टाइम लिखना हो तो अब क्या लिखोगे? पास्ट. और यहाँ पे 6 और 9 के बीच में हाफ. और यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2, यानी कि 45 मिनट हुई हो, 9 पे हैंड हो, कोई भी हवर हैंड या मिनट हो, सब क्या लिख सकते हैं? क्वार्टर 2. ओके, टोटल कितनी मिनट होती है? 60 मिनट. क्लियर? 1 hour में. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? टाइम इन AM एंड PM. कि अगर पीछे टाइम के पीछे AM लिखा हो तो क्या होगा? दिन होगा. PM लिखा हो रात होगा. ऐसे आपको देखना हो, AM PM में दिया होगा तो कितने बजे होंगे, दिन के या रात के, क्या टाइम हुआ होगा वो हम देख लेते हैं. देखिए 1 day होता है, 1 दिन, उसमें कितने hours होते हैं? 24 hours. ओके, सो हम 12 के 2 parts ले लेते हैं. 12 hours plus 12 hours, पूरे 1 दिन होता है उसमें 24 hours होते हैं. 12 के हमने पार्ट ले लिया. अब जो नाइट के 12 o'clock बजे है, नाइट के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का, 12 बजे का जो हाफ टाइम होता है, फर्स्ट हाफ टाइम, रात के 12 से दोपहर के 12 का जो टाइम होता है वो किस में काउंट करते हैं? हम किस में लिखते हैं? AM. उसके पीछे हम AM लिखते हैं. ओके, और जो आपके दोपहर के 12 से रात के 12 बजे का जो टाइम होता है उसको हम किस में? सेकेंड हाफ पार्ट. उसमें उसको हम किस में लिखेंगे? उसके टाइम के पीछे हम क्या लिखेंगे? PM. रात के 12 से दोपहर के 12 के बीच का जो टाइम होता है AM में होता है, और दोपहर के 12 से रात के 12 बजे का जो टाइम होता है वो PM में होता है. ओके, समझ में आ गया? PM लिखा हो तो दिन के बजे है या रात के, कितने टाइम हुआ है वो आपको पता चलेगा AM PM में. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ टाइम एंड 24 hour clock. 24 hour clock, देखिए अभी हमारी जो नॉर्मल क्लॉक होती है उसमें कहाँ तक दिया होता है? 12 o'clock तक. लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल क्लॉक होती है उसमें 24 hour की दी होती है. अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ या ट्रेन में जाओ तो वहाँ पे कैसे क्लॉक होती है? 24 hour की क्लॉक होती है. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं भी आपको कुछ ऐसा दिया हो, देखिए टाइम को कन्वर्ट करने के लिए कहा कि आपको 24 hour की क्लॉक में इस टाइम को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ. देखिए 12 hour clock टू 24 hour clock, 12 को हमें 24 hour की क्लॉक में कन्वर्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे आपको एक टाइम दिया गया है 7:30, 7:30 बजे का टाइम दिया. इसको आपको हवर में
कन्वर्ट करना है। ओके देखिए यहाँ पे पीछे ए एम पी एम नहीं दिया है, अगर पीछे ए एम पी एम दिया हो तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ओके पी एम दिया हो तो 12 ऐड करने पड़ेंगे, या टाइम ऐसा कुछ 14 या ऐसा कुछ दिया हो, 14:30 टाइम दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 निकालने पड़ेंगे। इस तरह से भी हो सकता है। ओके 24 आवर की क्लॉक में, और अब देखिए 7:30 टाइम दिया है, इसको आवर्स में आपको कन्वर्ट करना है 24, तो ये क्या हो जाएगा 0730, ये पूरा ये जो कॉलम है वो निकल जाएगी। ओके इस तरह से आप उसको लिख सकते हो, ये पूरा हवर्स में कन्वर्ट हो गया 24 आवर की क्लॉक में। ओके इतने हवर्स हुए, इस तरह से आप बोल सकते हो 730 आवर्स इस तरह से। ओके एक एग्जांपल मैंने लिया है एडिशन का, कि आपको टाइम दिया हो उनका एडिशन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखिए 2:45 पीएम प्लस 12 o'clock आपको इतना दिया है, इनको पहले हम क्या करेंगे हवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 24 आवर की क्लॉक में। देखिए सिंपल ऐसे लिख देना है 0245, यानी कि 245 आवर्स हो गए, और ये 12 पीछे 00 है यानी कि 1200 आवर्स हो गए। अब सिंपल इन दोनों को हम जैसे एडिशन करते हैं सिंपल तरीके है, वैसे ही डिजिट लिख के आपको एडिशन कर देता है। ओके सो ये एडिशन, अगर आपको माइनस करना हो तो इस तरह से सिंपल हम माइनस कर सकते हैं, पहले हावर में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपको सिंपल तरीके से आप कर सको। ओके 5 + 0 = 5, 4 + 0 = 4, 2 + 2 = 4 and 0 + 1 = 1, यानी कि 1445 आवर्स हुआ। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलेंडर, कैलेंडर के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि आपकी वर्कबुक में थोड़े से क्वेश्चन है कैलेंडर के रिलेटेड, इसलिए देखिए कैलेंडर में 1 year इज इक्वल टू कितने मंथ्स होते हैं, 12 months होते हैं। ओके फिर क्या कहा है, ईच मंथ हैज 30 or 31 days विथ अन एक्सेप्शन ऑफ 28 days इन फेब्रुआरी। क्या कहा है कि हर मंथ में 30 या तो 31 days होते हैं, 1 year में 12 months होते हैं, लेकिन 12 months में क्या होता है, कोई कोई में 30 days होते हैं, कोई में 31 days होते हैं। ओके लेकिन ऐसा क्या है, फेब्रुआरी जो है आपका मंथ उसमें क्या होता है 28 days होते हैं। ओके स्पेसिफिक है वो। ओके उसके बाद देखते हैं, अ लीप ईयर हैज़ 1 day मोर देन अ नॉर्मल ईयर, यानी कि जो लीप ईयर आपका होता है उसमें नॉर्मल ईयर से 1 day ज़्यादा होता है, यानी कि नॉर्मल डे में हमारे सॉरी 1 year में कितने नॉर्मल डे होते हैं, 365 होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 366, यानी कि 1 day एक्स्ट्रा होता है। ओके सो दिस लीप ईयर हैज़ 366 days। क्लियर, अब जो है हम वो वर्कबुक में फिल करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। ओके अब हम देखते हैं क्लॉक, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करने के लिए कहा है आपको, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक, आपको क्लॉक में देख के राइट टाइम यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ओके सो अब यहाँ पे क्लॉक में देख लीजिए, ये जो छोटा वाला हैंड है वो उसको हवर हैंड कहते हैं, यानी जो बड़ा है उसको मिनट हैंड कहते हैं। ओके देखिए यहाँ पे हवर हैंड कहाँ पे है, 11 पे, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 11, और फिर मिनट हैंड कहाँ पे है 3 पे, यानी कि यहाँ से मिनट गिननी स्टार्ट करनी है, यहाँ से 5 + 10 + 15, यानी कि कितने मिनट हुए हैं 15 मिनट, सो हम क्या टाइम लिख देंगे 11:15। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं बी, देखिए बी में हवर हैंड कहाँ है 8 के बाद है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ओके और मिनट हैंड कहाँ है 9 पे, यानी कि यहाँ से मिनट हम काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45, कितने मिनट हुए हैं 45। ओके सो हम क्या लिखेंगे 8:45। उसके बाद नेक्स्ट सी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है आपको 5 के बाद हवर हैंड है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, उसके बाद मिनट हैंड कहाँ पे, यहाँ पे 9 पे था, यहाँ पे भी 9 पे है, यानी कि 45 पे है, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5:45। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डी, डी में क्या दिया है हवर हैंड 1 के बाद है, इसलिए सॉरी 1 पे है, सो हम क्या लिख देंगे यहाँ 1, और मिनट कितनी है 5, 10, 15, सो मिनट क्या लिखेंगे हम 15, सो टाइम क्या हो गया 1:15। ओके ई में देखते हैं हवर हैंड कहाँ पे है 3 के बाद है, 3 के बाद, इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, और मिनट हैंड 49 पे है, इसलिए कितने मिनट हुए हैं 45, यानी कि क्या लिखेंगे टाइम 3:45। क्लियर,
एफ देख लेते हैं, देखिए आपका हावर हैंड 11 पे है यानी कि 11 बजे, और मिनी टेंट कहाँ पे है 12 बजे यानी कि 11 बजे ही है, इसलिए मिनट अभी कुछ नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए क्या लिखेंगे 00 यानी कि आपका टाइम क्या हो गया 11 o'clock। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी, जी में क्या दिया है आपका जो हावर हैंड है 10 पे है, मिनी टेंट 12 पे है। अब आप गेस कर सकते हो कितने बजे है, कितने 10 o'clock यहाँ पर लिख देना है। क्लियर। अब आपको वॉच में देखना आ गया होगा। ओके, आई होप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो इसमें से ध्यान दे के सीख लेना। ओके, अब देखिए यहाँ पे एफ एच में देखते हैं हावर हैंड है वो 8 पे है और मिनट हैंड 3 पे है यानी कि 15 मिनट हुए हैं। सो हम क्या लिखेंगे 8:15। आई में देखते हैं हावर हैंड है वो 3 पे है, मिनट हैंड 12 पे यानी कि कितने बजे है 3 o'clock। उसके बाद जे में देखते हैं जी में देखते हैं हावर हैंड है वो 3 के बाद है यानी कि 3 लिखेंगे, और मिनट हैंड है वो 3 पे है यानी कि 15 मिनट, सो क्या लिखेंगे 3:15। उसके बाद के देखते हैं, के में क्या है हावर हैंड है वो कहाँ पे है 7 के बाद है, मिनट हैंड 6 पे यानी कि कितने मिनट 15 प्लस ये 15 कितनी हुई 30 मिनट। ओके, सो क्या टाइम हो गया 7:30। फिर एल में देखते हैं जो आपका हवर हैंड है वो कहाँ पे है 5 पे है, 5 के थोड़ा सा इधर है लेकिन वो क्या लिखेंगे हम 5 पे है। ओके, सो 5 लिखेंगे और मिनट कितनी हुई है 15, 3 पे है मिनट हैंड है इसलिए क्या लिख देंगे 15 मिनट यानी कि क्या टाइम हुआ 5:15। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। सो ए में क्या लिखा है देर आर ब्लैंक्स डिवीजन ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक यानी कि हमारी जो क्लॉक होती है उसमें कितने डिवीजन होते हैं, नॉर्मल हमारी जो घर पे वॉच होती है क्लॉक होती है उसमें कितने डिवीजन होते हैं 1 से 12 तक यानी कि कितने डिवीजन आएंगे 12। सो यहाँ पे हम लिख क्या लिख देंगे आंसर में 12। ओके, फिर बी देखते हैं इफ अ क्लॉक शो क्वार्टर पास्ट एन हावर द मिनट हैंड इज ऑन, आपको क्या कहा है कि क्लॉक में आपको देखना है क्वार्टर पास्ट एन हावर। क्वार्टर पास्ट मैंने बताया था अभी आपको कहाँ पे आता है 3 पे हैंड होता है, जो आपका हैंड होता है कहाँ पे होता है 3 पे, तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा 3 पे होगा तब जाके आप क्वार्टर पास्ट लिख सकते हो। ओके, सो मिनट हैंड आपका कहाँ पे होगा 3 पे, क्वार्टर पास्ट यानी कि 3 पे हैंड होगा। ओके, यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा 3। इफ अ क्लॉक शोज 27 इट मीन्स द सेम एज ब्लैंक्स मिनट्स एंड पास्ट, आपको क्या कहा है कि 5:75 क्लॉक में आपको दिखाना हो तो क्या मिनट हैंड कहाँ पे होगा 27 मिनट पे। ओके, मिनट हैंड 27 पे होगा एंड हावर हैंड 5 पे यानी कि मैंने कहा था 3 और 6 के बीच के आप बीच में आप क्या लिख सकते हो पास्ट लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है पास्ट लिखा है, समझ में आया आपको, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 एंड यहाँ पे 27 मिनट्स। क्लियर। अब डी देखते हैं देर आर ब्लैंक्स डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं 7। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। ई में देखते हैं द लास्ट मंथ हैविंग 30 डेज इन यानी कि जो आपका मंथ होता है उसमें लास्ट मंथ कौन सा होता है डिसम्बर, लेकिन आपको कहा है कि लास्ट मंथ कौन सा 30 डेज जिनमें 30 डेज आते हैं उसका वो लास्ट मंथ कौन सा है, लेकिन आपका डिसम्बर है तो डिसम्बर में तो 31 डेज आते हैं, उसके ऊपर कौन सा आता है नवंबर, यस तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, सो आंसर में क्या आ जाएगा नवंबर। क्लियर। उसके बाद एफ देखते हैं अ लीप ईयर हैज ब्लैंक्स डेज, कितने डेज होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था कितने डे 1 डे एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल डे से, सो कितने डेज हो जाएंगे 366 डेज। क्लियर। जी देखते अ कैलेंडर इज रिकॉर्डेड ऑफ अ ब्लैंक्स ब्लैंक्स एंड डेज ऑफ अ ईयर यानी कि कैलेंडर किसका रिकॉर्ड रखता है, इसमें मंथ होते हैं मंथ्स होते हैं वीक्स होते हैं और डेज होते हैं, है ना। ओके, सो आंसर लिख देंगे मंथ्स वीक्स एंड डेज आपको दिया है। क्लियर। एच ऑर्डिनरी ईयर हैज
ब्लैंक्स वीक्स एंड ब्लैंक्स डेज, यानी कि जो ईयर ऑर्डिनरी ईयर यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा मंथ होता है उसमें कितने वीक्स होते हैं। देखिए अब वन मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, वन मंथ में 4 वीक होता है, यानी कि ऐसा कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, सो 12 × 4 कर देंगे, ओके, तो 12 × 4 = कितना हो जाएगा आपका 48, लेकिन वन मंथ एक्स्ट्रा होता है इसलिए 4 हमें और ऐड करना पड़ेगा, सो कितने हो जाएंगे 52 वीक्स हो जाएंगे, और वन डे होता है वो एक्स्ट्रा होता है, ओके, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे 52 वीक्स एंड 1 डेज। उसके बाद आए देखते हैं फेब्रुआरी हैज ब्लैंक्स डेज इन अ लीप ईयर, यानी कि जो लीप ईयर होता है उसमें फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, ओके, नॉर्मल कितने होते हैं 28, लेकिन लीप ईयर होता है तो कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। जे द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 18th November 2017 इज राइटिंग है, इसको कैसा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 18 नवंबर है यानी कि 11वां महीना है, 11th मंथ और 2017, क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइम विल इट बी, ओके हमें टाइम देखना बताना है कि कितने बजे है, ओके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 hours after 2:05 AM, यानी कि 2:05 AM के बाद 4 hours, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 hours ऐड करनी पड़ेगी, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 2 + 4 कितनी आवर हो जाएगी, 6 hours and 5 minutes, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा आपका 6:05 AM, क्लियर, आफ्टर कहा है यानी कि ऐड करना है, बिफोर करना, बिफोर कहा होता तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये देखिए बी में बिफोर ही कहा है, 35 मिनट्स बिफोर 12:15 PM, यानी कि 12:15 में के पहले 35 मिनट, ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 12:15 में से 35 मिनट माइनस करनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ पे किया है, माइनस कैसे करते हैं, 12:15 हवर और मिनट लिख दिया है, 35 मिनट, तो मिनट के नीचे हम मिनट लिखेंगे, ओके, अब देखिए 15 मिनट में से 35 मिनट तो माइनस होगी नहीं, सो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा पोरो, सो यहाँ पे 1 hour हम कट करेंगे, 12 में से 1 hour माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 1 hour हम यहाँ देंगे, सो 1 hour की कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट और 15 मिनट आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, सो 60 + 15 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, अब 75 में से 35 माइनस कर सकते हो, कितना आएगा 5 - 5 = 0, 7 - 3 = 4 हो गया 40 मिनट, और यहाँ पे 11, यानी कि टाइम क्या हुआ होगा 11:40 AM। अब देखिए PM 12 के बाद का टाइम था इसलिए PM था, लेकिन अब 12 के पहले का होगा इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा AM, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं सी, 55 minutes after 10:50 AM, यानी कि 10:50 के बाद 55, यानी कि आफ्टर है उसके बाद, यानी कि 55 हमें इसमें ऐड करनी है, यहाँ पे देखिए मैंने किया है 10:50 minutes, हवर और मिनट ऐसे लिख के अलग अलग आप कर सकते हो, ओके, और 55 मिनट ऐड करनी है, सो यहाँ पे मिनट के नीचे 55 कर दिया, अब एडिशन कर देते हैं, 0 + 5 = 5, 5 + 10, और हवर का हवर हम यहाँ पे 10 रहने देंगे। अब देखिए 105 मिनट है आपके पास, तो उसको आप हवर में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 hour = 60 मिनट होती है, तो 105 में से हम 60 मिनट माइनस कर सकते हैं, सो हम माइनस कर देंगे और 1 hour इसमें ऐड कर देंगे, ओके, सो यहाँ पे 60 मिनट माइनस की, यानी कि 1 hour माइनस किया और यहाँ पे 1 hour हमने ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, ओके, सो यहाँ पे 10 + 1 = 11 hour हो गया, और यहाँ पे -60 करना है, देखिए 5 - 0 = 5, अब 10 - 6 कितना आ जाएगा 4 हो गया, सो 45 मिनट हो गए, सो टाइम क्या हो गया 11:45, सी में क्या आएगा 11:45 AM, एम का एम रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं डी, डी में क्या कहा है, 1 hour 10 minutes बिफोर 11:45 PM, ओके, यानी कि बिफोर यानी कि उसके पहले, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 11:45 में से 1:10 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैंने नीचे किया है, हवर और मिनट लिख दिया 11:45 एंड 1 hour 10 minutes, सिंपल माइनस हो जाएगा, तो 5 - 0 = 5, 4 - 1 = 3,
और 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10। ओके सो टाइम क्या आएगा 10:35। ओके पीएम पीएम में दिया है सो यहाँ पे पीएम। ओके फिर ई देखते हैं क्या कहा है 2 hours 20 minutes बिफोर 2 PM। अब देखिए 2 hours इसमें से माइनस करना है 2 hours 20 minutes 2 o'clock PM है लेकिन ये PM है यानी कि 12 बजे का बाद का टाइम है सो हमें ये 24 hour की क्लॉक में लिखना पड़ेगा यानी कि 12 plus 1 और 2 बज चुके हैं यानी कि कितना हो जाएगा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा ना 12 plus 2 कितना टाइम होगा 14। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 hour और minute 00 उसमें से माइनस करना है 2 और 20 क्योंकि बिफोर का है उसके पहले का टाइम है इसलिए अब 2 20 माइनस करते हैं अब 0 मिनट है तो 20 तो माइनस होगा नहीं सो यहाँ से 1 hour हम दे देंगे 14 को कट करके यहाँ पे 13 और 1 hour की यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर दिया 1 hour = 60 मिनट सो 60 मिनट यहाँ पे दिए सो 60 मिनट 0 को कट करके। ओके अब माइनस करते हैं 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 और 13 माइनस 2 11। सो टाइम क्या आया 11:40 और देखिए यहाँ पे PM था लेकिन अब 12 बजे के पहले का टाइम हो गया 12 बजे का बाद का है इसलिए PM है अब 12 बजे का पहले का टाइम आ गया 11:40 सो क्या आ जाएगा यहाँ पे AM। क्लियर अब AM देखते हैं क्या दिया है 3 hours 20 minutes बिफोर 1:30 PM। ओके बिफोर यानी कि पहले है 1:30 यानी कि इसको हमें 24 hour क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 और 13 यानी कि 13:30 PM और 3 20 माइनस करना है ये देखिए यहाँ पे किया है 13:30 minute और माइनस 3:20। ओके सिंपल हो जाएगा 0 minus 0 0 3 minus 2 1 3 minus 3 0 और 1 का 1 यानी कि 10:20 10 hour और 20 minute। ये देखिए 12 बजे के बाद का टाइम है इसलिए PM दिया है लेकिन हमारा टाइम क्या आया 10 बजे का 12 बजे का पहले का है इसलिए ये PM का क्या हो जाएगा यहाँ पे AM। क्लियर इतना अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करना है डेज कितने नंबर ऑफ डेज है। अब ए में क्या कहा है बिटवीन जनवरी 12 एंड जनवरी 23 इसके बीच का हमें बीच के डेज गिनने हैं तो 12 के बाद से स्टार्ट करते हैं और 23 के पहले का लेना है। ओके 12 बजे से चलो काउंट करो 12 बजे के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितने डेज आए 9 और ये 1 यानी कि 10 डेज उसके बीच कितने डेज हो गए 10 डेज। ओके उसके बाद है जनवरी लिखा है 29 जनवरी बिटवीन जनवरी 29 एंड फरवरी 5। ओके सो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। ओके देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको गिनने में आसानी हो जाए अब काउंट करो चलो 30 31 फिर 1 2 3 एंड 4 कितने डेज हुए 6 डेज हो गए 5 तक ही है इसलिए कितने डेज हुए 6 डे उसके बाद तो यहाँ पे 6 लिख देना है। ओके सी देखते हैं बिटवीन मार्च 25 एंड अप्रैल 3 मार्च में कितने डेज होते हैं 31 और अप्रैल के 3 डेट तक जाना है तो गिनो चलो कितने हो जाएगा 26 27 28 29 30 31 1 और 2 कितने डेज हुए 3 6 7 और 8 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8। उसके बाद ऐसे ही आपको सारे गिनने हैं। अब देखिए बिटवीन जुलाई 23 एंड अगस्त 10 जुलाई में भी कितने डेज होते हैं 31 यानी कि 24 से काउंट करना स्टार्ट करो और 9 तक आपको काउंट करना है 24 25 26 27 28 29 30 31 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक यानी 15 16 और 17 डेज हुए कितने डेज हुए 17 सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। फिर क्या है बिटवीन December 15 and December 28 इन दोनों के बीच का आपको काउंट करना है चलो फास्ट करो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
और 27 कितने दिन हुए, 12 दिन। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 12 डेज। क्लियर, आज के लिए इतना रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। ओके, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो सो कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बता सकते हो। ओके, और ये वीडियो पहले अच्छे से देख लाया है और आपको खुद से फिर वर्कबुक में फिल करना है। ओके, अच्छे से करना, दो बार देख लेना फिर फिल करना, अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।